आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। उज्जवल भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी का जो माहौल है, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति का की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और पूरा देश जो है वो राममय हो गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख, उसके पहले जितने भी देश के मंदिर हो, धार्मिक स्थल हो, वहाँ की साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, हर किसी से आह्वान किया। और इसी क्रम में वो चाहे सेंट्रल मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे छोटे जो भी जिला या शहर स्तर के जो भी लीडर हैं, वो अपने इलाके के मंदिर की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम भाईंदर वेस्ट के महाराणा प्रताप रोड में जो नारायण नगर है, वहाँ का मारुति मंदिर हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे यहाँ भी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे साफ सफाई में लगे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, इस 4 दिन का कार्यक्रम है, आज 19 तारीख है, मारुति मंदिर को ये जो मंदिर है उसमें स्वच्छता अभियान है, कल 20 तारीख को मंदिर सुशोभीकरण कार्यक्रम है सुबह से लेकर शाम तक, 21 तारीख को 7 बजे से अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा, उसके बाद 22 तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में श्री राम लल्ला की मूर्ति का, उस दिन अखंड रामायण समापन सुबह 9 बजे होगा, मंदिर में ध्वजा पूजन होगा, उसके बाद दीपक की महाआरती होगी और प्रसाद वितरण, रात में फिर कीर्तन समारोह होगा और सभी लोग मिलके यहाँ पे एक कहते हैं ना कि राममय स्थिति में वो पूरा झूमते हुए नजर आएंगे और जश्न मनाएंगे प्राण प्रतिष्ठा जो होगा उसके लिए। और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी होगा, किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे दिखाने के लिए कि तो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मारुति मंदिर है उसमें किस तरीके से लोग साफ़ सफाई में लगे हैं। ये हमारी पूर्व नगर सेविका रीटा शाह मैडम हैं, ये भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आह्वान किया गया है कि आपके आसपास पूरे देश में जहां भी मंदिर हो या जो भी धार्मिक स्थल हो उसकी साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा मैं ये पंडित जी भी इनसे भी बात करेंगे, मैम से हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात है 22 तारीख को मैम हमारे देश का क्या एक गौरव की बात है और पूरा देश राममय हुआ है और आप लोग भी मंदिर की सफाई में लगे हुए हैं, इस भाईंदर में क्या कहेंगे मैम? सबसे पहले तो जय श्री राम। क्योंकि आज बच्चा बच्चा बोलते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहा है, जहाँ देखो हिंदुस्तान आज राममय हो गया है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया और खुले दिल से और खुले मन से हर कोई, जहाँ देखो हाँ जय श्री राम, जय श्री राम झंडे लग रहे हैं सब जगह पे, बहुत जगह और जहाँ देखो त्या बच्चे भी अपनी रैली निकाल रहे हैं, बूढ़े भी निकाल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान सही मायने में हिंदुओं का राज्य है, हिंदुओं का देश है और सबके अंदर श्री राम ऐसे समाये हुए, ऐसा लगता है 22 तारीख के बाद में ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। हमने 22 तारीख को हमने बच्चों की बड़ों की रैली रखी हुई है और इसमें हमने राम जी बनाए, सीता जी बनाए, हनुमान जी बनाए, तो बच्चे अपने वानर बने वो लोग, और 22 तारीख को ऐसी हम झांकी निकाल रहे हैं, तो सही मायने में ऐसा लगता है कि 40 साल के राजनीति प्रवास के बाद में मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि सही मायने में मैं हिंदू राष्ट्र की नगर सेविका हूँ।
क्या बात है, जय श्री राम। ये जोश और आप कह सकते हैं कि 40 साल हुआ है राजनीति में, लेकिन अब इन्हें गर्व हो रहा है कि चलिए हम यहाँ पे इस राष्ट्र की पॉलिटिशियन है। मैं एक भाई और हैं हमारे भाजपा से, मैं चाहूँगा सर आपका नाम क्या हुआ थोड़ा बताइए। मैं संदीप पिपालिया, अध्यक्ष OBC मोर्चा भाईंदर पश्चिम मंडल का एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और आज हमने ये जो सफाई अभियान का जो कार्यक्रम रखा है, जो हमारे पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है उनके आह्वान पर उन्होंने जो बताया कि हर एक मंदिर चौराहे में जहाँ जहाँ परिसर में जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ की साफ़ सफाई करनी है। और वहीं पे एक जो 22 तारीख को जो हमारा अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष में अगर जो वहाँ पे अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे हैं वो अपने अपने परिसर में मंदिर में वो कार्यक्रम कर सकते हैं। और हम ये जो परिसर है यहाँ का जो महाराणा प्रताप रोड का, वो हम बिल्कुल ही वो एक अयोध्या धाम यहाँ पर हम बनाएंगे। और जो भक्तों के लिए, आने वाले भक्तों के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। अखंड पाठ का आयोजन किया है, फिर महाआरती होगी, फिर वही जो मोदी जी का जो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो जो जीवन प्रसारण हम यहीं पे करने जा रहे हैं, और फिर जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है वो भी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे अनेकों जो मित्र है और जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे राम भक्त है, वो हम ये परिसर में आज हम सफाई कर रहे हैं। और बस यही जो एक भक्ति भाई वातावरण जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बस उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम 22 तारीख को जो होने जा रहा है भव्य कार्यक्रम, वो हम यहाँ पे धूमधाम से मनाएंगे। बताइए सर, इतना अच्छा जो आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं मंदिर का, क्या कहेंगे इस विषय में? सर ये एक बहुत ही बड़ा उल्लास और हर्षदायक एक महोत्सव है। हमारे जो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं उनके आह्वान पर जो 500 साल से जो मेहनत चल रही थी राम मंदिर अयोध्या की, वो आज हमारे लिए 22 तारीख को पूर्ण होने जा रहा है। तो हमारे सनातनियों के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ी ये एक गौरव की बात है। और इतनी खुशी है कि हर जन अपनी अपनी जगह पर हर हिसाब से जो होता है अपने हिसाब से भक्तिमय कार्यक्रम या भक्ति से अपना जो यथा योगदान हो रहा है वो किए जा रहे हैं। क्या बात है, तो हर कोई अपने यथाशक्ति अपनी बात कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि चारों तरफ किस तरीके से साफ सफाई हो रहा है, चप्पा चप्पा। मतलब आप देखिए, इधर के भाई लोग जितने भी हैं सारे लोग चप्पा चप्पा को साफ कर रहे हैं। तो आपको दिखाया कि यहाँ पे मारुति मंदिर जो है यहाँ पे नारायण नगर में, यहाँ पे साफ सफाई हो रहा है। हमारे साथ 145 निर्वाचन प्रमुख रवि व्यास जी हैं, एडवोकेट रवि व्यास, वो भी अपने हाथों से आपने देखा कि वाइपर चला के इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। सर पूरा देश जो है राममय हो गया है, और ख़ासकर भाजपा की टीम पूरे देश में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है कि जो अयोध्या नहीं पहुँच पाए वो अपने आस पास के क्षेत्र में मंदिर और जितने भी धार्मिक क्षेत्र है उसकी साफ सफाई करें, और समझे कि हम अयोध्या गए और राममय वातावरण बनाइए। आप लोग भी पूरे निष्ठा के साथ लगे हुए, क्या कहेंगे आज आपने सफाई किया? जय श्री राम। आज आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी स्वयंसेवक अपने अपने जिस क्षेत्र में जहाँ पे उनका निवास है, चाहे उनका कार्य क्षेत्र हो चाहे उनका कार्यालय हो, तो उनके आसपास के जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी हमारे धार्मिक क्षेत्र है, उन सभी की सफाई का कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं ने आज किया है। आज हम यहाँ पे महाराणा प्रताप रोड पे जो हमारा पुराना प्राचीन मारुति मंदिर है, मारुति मंदिर के अंदर आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज इसकी सफाई की है। और एक सफाई करते हुए, सेवा करते हुए एक अलग सा एक आनंद की अनुभूति विशेष रूप से आज हम सभी को प्रतीत हो रही है। और जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए, भगवान श्री राम की राम का नाम जपते हुए आज हम लोगों ने सफाई अभियान किया है। और वाकई में ये जो अभियान है, मुझे तो लगता है हर महीने इस तरीके के अभियान करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये जी बिल्कुल, ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हर महीने हम लोग इस तरीके के अभियान करेंगे, और ये करने के बाद में एक सुकून मिलता है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कीजिए।
चलिए सुना आपने, क्योंकि इनका कहना है एडवोकेट रवि व्यास जी का कि ये तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक तो है आह्वान किया, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हमेशा चलना चाहिए कि ताकि पूरा जो देश का जो भी मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वो साफ़ सफाई के साथ रहे और एक आनंद अलग से आनंद की अनुभूति हो और पूरा देश राममय हो जाए, यही इनका कहना है। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस दो शब्द संजीव भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने हमारे मारुति मंदिर में सफाई का अभियान सुबह से चालू किया। हम सफाई कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता मिलके, हमारे मीरा भाईंदर के 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास जी भी आए हैं, वो भी हमारे साथ में लग के सफाई कर रहे हैं। रीता शाह जी जो हमारी नगर सेविका है, वो भी हमारे साथ लग के सफाई कर रही हैं। अब हम चार दिन इस मंदिर में पूजा पाठ हमारा चलेगा। आज सफाई का कार्यक्रम है, कल हम इसको सजाएंगे, परसों हम यहाँ पे अखंड रामायण शुरू करेंगे और 22 तारीख को यहाँ महाआरती होगी। ये सारे कार्यक्रम हम करेंगे, भजन कीर्तन हमारा चलता रहेगा यहाँ पे लगातार। तो सुना सभी लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, और मैं चाहूँगा ये देखिए, इस मंदिर के जो पंडित जी हैं यहाँ पे रहते हैं, वो भी लगे पड़े हैं अब साफ सफाई में। मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन इसी तरीके से मैं इनसे बात करना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे जितने भी भक्तगण जो आए हैं बड़े श्रद्धा भाव से जो है मंदिर की सफाई जो है कर रहे हैं, एकदम राममय लग रहा है, एकदम आनंद आ रहा है कि जो लग रहा है कि जो है कि से एकदम पूरा भारत ही जो है कि से भूमि जो है कि राममय हो गया है, और बड़े आनंद से जो है कि भगवान के भक्ति और भजन के साथ और जो है साफ सफाई के साथ जो है भक्तगण आए हैं हमारे मंदिर में, मारुति मंदिर में। प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, यहाँ बड़े भक्ति भाव से जो है कि भक्त लोग जो है अपना सेवा जुटा रहे हैं और कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और 21 तारीख से जो है किसे अखंड रामायण की जो है किसे यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, भजन कीर्तन की व्यवस्था रखी गई है, और सारे जो है किसे सजावट सारे पूरे मंदिर की जो है कि फूल से सजावट होगा, हर भगवान को माला हार पहनाया जाएगा। उसके बाद आगे जो है किसे बाहर की जो है लाइट की व्यवस्था है, बाजा भजन कीर्तन सबकी व्यवस्थाएँ हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने सुना कि पूरा चार दिन का कार्यक्रम है, तो आपसे आग्रह है कि मारुति मंदिर नारायण नगर जो है यहाँ पे आप लोग आएँ, और जो भी कीर्तन हो चाहे रामायण पाठ है, और फिर 22 तारीख को यहाँ लाइव प्रसारण होगा अयोध्या में जो राम लल्ला की मूर्ति का की प्राण प्रतिष्ठा है, जो पूरा देश जो है इसका साक्षी बनेगा, आप भी साक्षी बने, और इसी तरीके से पूरा देश में एक गुजारिश ये भी है उज्ज्वल भारत समाचार की ओर से कि आप इस मंदिर और धार्मिक स्थलों की सफाई सिर्फ 22 जनवरी तक यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक नहीं करें, बल्कि सालों साल हमेशा के लिए इस तरीके का सफाई अभियान चलना चाहिए। मैं रवि टुंडा, उज्जवल भारत समाचार के लिए भाईंदर वेस्ट से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।